Hi guys, my name is Dr. Nisha Rakpal and I'm a dentist by profession. तो क्या आपका भी मुंह सूखा रहता है, आपको भी मुंह में ड्राइनेस फील होती है? तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्राई माउथ या फिर जेरोस्टोमिया। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारा सलाइवा बनाते हैं या जिसको हिंदी में हम लार बोले वो बनाते हैं, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम ड्राई माउथ बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई माउथ किस कारण से होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं, कॉजेस एंड सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि सलाइवा के बेनिफिट्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले सलाइवा हमारे खाने को पचाने में बहुत हेल्प करता है, हमारे फूड को उसको पार्टिकल्स बनाने में, उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारा एक मेजर डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है हमारी मेंटेन करने के लिए, गुड डेंटल हेल्थ के लिए। और हमको कहीं ना कहीं ये टूथ डिके से भी हमको प्रिवेंट करता है और गम डिजीज में भी। तो इतने सारे बेनिफिट्स हो गए हमारे सलाइवा के, और भी कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं हमारे सलाइवा के। तो अगर ये आपके मुंह में नहीं बन रहा है, इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको ड्राई माउथ और जेरोस्टोमिया की कंडीशन हो सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले खाना स्वॉलो करने में डिफिकल्टी होती है, च्यूइंग करने में एंड इवन टॉकिंग, बात करने में भी दिक्कत होगी। फूड एंड ड्रिंक्स टेस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके होंठ जो है वो ड्राई रहेंगे, चैप्ड रहेंगे, फटे हुए रहेंगे। बर्निंग सेंसेशन इन माउथ हो सकती है, अगर आप स्पाइसी और सॉल्टी खाना खाते हो तो उसमें बर्निंग होगी। माउथ सोर हो सकते हैं, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, मुंह से गंदी बदबू आती है इस कंडीशन में। और जो आपके लिप्स के कॉर्नर होते हैं यहाँ, वहां पर जो है क्रैक्ड और ड्राई रहेंगे आपके कॉर्नर्स। एंड ड्राई टंग एंड ड्राई थ्रोट, अगर सलाइवा नहीं बन रहा तो जीभ भी है वो ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी। और जब आप जो हमारा थ्रोट होता है वो भी ड्राई रहेगा, क्योंकि आपको डिफिकल्टी होगी जब आप खाना को अंदर स्वॉलो करोगे, तो उस कंडीशन में जो है डिफिकल्टी होगी क्योंकि सलाइवा हमारा इतना नहीं बन पा रहा मुंह में। अब हम जान लेते हैं कॉजेज, यानी कि कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आप इनफ वाटर नहीं पी रहे हैं, उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो सकता है। या आपको वॉमिटिंग हुई है, उस कारण जो है बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। डायरिया लगा हुआ है, यानी कि दस्त लगे हुए हैं, उसमें भी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। या तो आपको एक्सेसिव स्वेटिंग आती है तो उस कारण भी, तो डिहाइड्रेशन भी एक कॉज है। सेकेंड इज मेडिकेशन, अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपके मुंह को ड्राई कर देती है, तो इस कंडीशन में वैसे तो बहुत तरह की मेडिकेशन हो सकती है, बट जो मेन अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हाई बीपी की दवाइयां चल रही है, या एंटी डिप्रेसेंट चल रही है, या एंग्जाइटी की कोई मेडिसिन चल रही है, तो ये सब जो है मेडिसिन जो है अगेन ड्राई माउथ कंडीशन कर सकती है। एंड थर्ड इज रेडिएशन थेरेपी, अगर आपकी कोई रेडिएशन थेरेपी हेड या नेक में चल रही है, तो ये जो रेडिएशन होती है ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड को डैमेज कर देती है, तो जिसके कारण जो है जो सलाइवरी ग्लैंड डैमेज हो जाएगा, तो हमारा इनफ सलाइवा नहीं बन पाएगा, प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा नहीं हो पाएगी। सेम ही केस है अगर कोई कीमोथेरेपी चल रही है, इसमें भी हमको ड्राई माउथ या जेरोस्टोमिया का कंडीशन हो सकता है। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, जब आप स्ट्रेस या एंग्शियस होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है कॉर्टिसोल, और जो कॉर्टिसोल होता है फिर वो हमारे सलाइवा में इंक्रीज कर देता है, और जिसके कारण हमारे सलाइवा का कॉम्पोजिशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये हमको जो लीड करता है ड्राई माउथ कंडीशन में। एज जैसे जैसे बढ़ती है तो उस कंडीशन में भी आप ड्राई माउथ एक देख सकते हैं। दिस इज माउथ ब्रीदिंग एंड स्नोरिंग, अगर आप मुंह से सांस लेते हैं और रात को सोते समय आपको स्नोर करने की आदत है, तो कंडीशन में क्या होता है, माउथ ब्रीदिंग में अगर हम मुंह खोल के हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो सलाइवा होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। एंड लास्टली हम बोल सकते हैं स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग। ये तो हमने जान लिए कॉजेज एंड सिम्टम्स के बारे में। तो वैसे जो ड्राई माउथ एक कंडीशन है, जेरोस्टोमिया, वो ऐसे ही एक अपने में कोई एक मेजर कोई डिजीज नहीं है, बहुत इजीली ठीक भी हो जाती है अगर आपको कोई मेन कॉज नहीं है, जो मैंने आपको कॉजेज बताए हैं।
तो चलिए अब हम जो इसके ट्रीटमेंट और होम रेमेडी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसी वीडियो में ऐड कर देती हो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।